सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल इंजीनियर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले रिपेयर वीडियो देखने के लिए। गाइस कैसे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोबाइल इंजीनियर और मैं आज आपको दिखाऊंगा लेनोवो A526 डेड हैंडसेट कैसे रिपेयर कर पाएंगे। तो खास करके ये वीडियो उनके लिए जो फ्रेंड नए नए मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोला है उसके लिए ये वीडियो परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये बहुत सब पुराना मॉडल है, चाइनीज मॉडल के एक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे ट्रिक्स में रिपेयर करूँगा इसके ऊपर। ये हैंडसेट मैंने पहली बार ही खोला है, यानी कि पहली बार मतलब ये हैंडसेट कोई दूसरे शॉप पर खोला नहीं गया है। जैसे कि ये शोल्डर देख सकते हैं, शोल्डर देख के पता चलता है कि ये फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ मैं। तो चलिए इसको रिपेयर कर देखते हैं। ये हैंडसेट डेड है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो अगर एक डेड हैंडसेट आए तो हमें फर्स्ट क्या क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे जिसका जो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पर सल्फर है कि नहीं है, और फिर हम बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे कि बैटरी में वोल्ट है या नहीं। बैटरी में वोल्टेज से ऑन होने के लिए काफ़ी है, लेकिन फिर भी हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि ये हैंडसेट शॉर्ट है कि नहीं है। बजर पॉइंट पर रखना है। हैंडसेट शॉर्ट नहीं है, फिर भी हम लाइन टेस्टर से और एक बार चेक कर लेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। फिर भी ये हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हम हैंडसेट को खोलेंगे, खुलने के बाद इसका आईसी को देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, लिक्विड डैमेज है कि नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मैंने खोल रहा हूँ, इसके पहले मैंने खोल के भी देखा भी नहीं कि अंदर लिक्विड है भी नहीं है। ध्यान से खोलने से पहले इसको थोड़ा रिमूव कर लीजिए, आपका टच आईसी आएगा, पावर की खराब हो सकता है। इसको अलग से साइड में रखते हैं। फिर हम इसका कैमरा को रिमूव कर लेंगे।
इसका अंदर कोई भी लिक्विड डैमेज कुछ भी नहीं है। इसका नेटवर्क सेक्शन, PMIC, MediaTek CPU है, रैम हमें थोड़ा सा चेक करना है। देखिए ये जो कैपेसिटर है थोड़ा सा डस्ट है इसके पास, इसको हम पहले क्लीन कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि हैंडसेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर ऑन नहीं हुआ तो हमें डायरेक्ट पावर पर काम करना है। चेक करना चाहिए ले ही, तो ऐसे हो सकता है कि ये जो मैंने हल्के से क्लीन किया इससे भी हैंडसेट ऑन हो सकता है, कि क्लीन करने के बाद मैंने पावर पर काम कर दिया तो ये शायद ऑन हो गया था, फिर पावर पर काम करने के बाद ऑन नहीं होगा। यह है आपका पावर, पावर और ग्राउंड को एक साथ करना है, फिर देखेंगे हम ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट इसका PMIC पर ही काम करेंगे, यानी कि पावर मैनेजर IC। हमें इसको रिसोल्डर करना है, अगर फिर भी ऑन नहीं हुआ तो रिबॉलिंग करेंगे, रिबॉलिंग करने के बाद ऑन नहीं हुआ तो हम इसको चेंज करके चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो CPU खराब हो सकता है। ये जो IC है, ये वाला IC, थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे उसके ऊपर।
चलिए आप चेक करके देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काफी ठंड हो गया, हम पावर क्यू को बाद में लगाएंगे, फिर पहले शॉर्ट करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि पहले मैं बताया था कि ये पावर है और एक ग्राउंड, तो पावर और ग्राउंड को हम एक साथ लीजिए। ये तो रिसोल्डर करने पर ही ऑन हो गया। अगर ऐसे है कि आपने रिसोल्डर कर दिया उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है तो उसको रिबॉलिंग या रिप्लेस कर दीजिए, 100% आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड मेरा वीडियो को पहले से ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मैं और एक बार कहूँगा फ्रेंड कॉमेंट करना मत भूलिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो पहले से ख़त्म तक देखने के लिए धन्यवाद।